Good morning, food fam, and welcome to the world of sinful eating. So, another episode, another city, and in this city, I'm going to explore a lot of delicious food. I am in the capital city of Jharkhand, that is Ranchi. Yeah, aap bol sakte hain. Main hoon Captain Cool ke city mein. Being surrounded by hills, climate is definitely one of the reason to be here. But other than climate, you will also find some smooth traffic, busy roads, street markets, richness of life, and tons of food options to eat from. With that said, from breakfast to dinner, we will eat at all these famous restaurants and cafes in Ranchi. और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें and ढेर सारा लाइक करिए वीडियो पे and drop in delicious Ranchi वाला झारखंडी comment. सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर चाय बबल अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का शुरुआत करने के लिए. सो दिस प्लेस हैज बीन रिकमेंडेड टू मी बाय अ लॉट ऑफ यू आउट देयर. सो यहाँ पर द थिंग व्हिच आई हैव ऑर्डर्ड इज वेज मैगी. मैगी लुक्स सो टेम्पटिंग. देयर इज सो मच ऑफ वेजीज. देयर इज बेल पेपर, देयर इज पी, देयर इज ब्रोकोली, देयर इज रेड बेल पेपर, व्हाट ऑल लॉट ऑफ स्टफ. लुक, दिस लुक्स वेरी वेरी टेम्पटिंग. यू नो एकदम क्लासिक मैगी नहीं होता, एकदम वेज मैगी. वैसे मेरे तो देख के मुंह पे आने आ रहे हैं धुआं देख के भी. एंड यहाँ पर भी आई गॉट दिस अमृतसरी सैंडविच. है अमृतसरी पनीर सैंडविच विद सम फ्राइज एंड सम केचप. सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज ग्रिल सैंडविच. इसके अंदर है पनीर एंड देयर इज भुर्जी पनीर है राई एंड प्याज एंड ऑल के साथ. यू नो पनीर का भुर्जी बना के फिर सैंडविच में डाला हुआ है, विच लुक्स वेरी टेम्पटिंग. इसके अंदर टमाटर है, प्याज है. वाह वाह वाह. सो लेट्स जस्ट डिग इन. जब तक मेरा हेजलनट कॉफी आता है मैं इसको खा लूं. क्वाइट डीसेंट इन टेस्ट. बहुत अच्छे से छौंका गया पनीर का भुर्जी को मसालों के साथ. जीरा का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. द एंबियंस ऑफ दिस प्लेस इज आल्सो क्वाइट क्वर्की. काफी स्पेशियस है, वेरी वाइब्रेंट. अर्ली मॉर्निंग स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेरी डिलीशियस ब्रेकफास्ट. केचप एंड फ्राइज आर लव लव. I really love a food dish which has tons and tons of veggies, and this colorful veggies really give me good feeling. Very flavorful, and veggies are really adding a lot of flavor. It's very basic maggi. Maggi masala ka आप टेस्ट आ रहा है. जो मैगी का जो ओरिजिनल फ्लेवर है ना वो कहीं लॉस्ट नहीं हुआ है. आई रियली प्रेफर द स्टैंडर्ड यू नो बेसिक मैगी रादर देन यू नो फ्यूजन इन मैगी टेस्ट. सो आई गॉट माय कॉफी. आई एम ट्राइंग हेजलनट कॉफी अप प्योर. इधर ही बहुत ज़्यादा खाली. आई डोंट नो हाउ मैंने कंटिन्यू द एंटायर डे, बट दैट्स ओके. आई थिंक कॉफी इज गोना गिव मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, इज गोना बूस्ट मी अप. So, I'll just finish off my coffee. It's good, it's nice. Doodh ka main, most importantly, I love my coffee to be strong. So, it's good. अरे हम लोग तो वहाँ पे भी तो पहले हमें तो गवर्नमेंट करता है भाई. वही तो फिर 100 हो गया. So, आपकी क्या टिप्पणी है इस बारे में? सीर पेट्रोल प्राइसेस लेस आउट ही है ना. It's 96.68 और हम लोग कलकत्ता में 102 पॉइंट सम कुछ पैसा है. कितना फर्क है? 90 अगर इसको 97 103, 6 रुपीस का फर्क है. कैसे लूट रहा हम लोग को देखिए गवर्नमेंट. बड़ी बात. बिट्टू तेरा क्या टिप्पणी है? पेट्रोल फुल कर दीजिए. पेट्रोल ना है? हाँ फुल कर दीजिए. बिट्टू तेरा क्या टिप्पणी है? मेरा टिप्पणी है यही बस जाते हैं. बिट्टू का टिप्पणी मेरा तो पैसा जा नहीं रहा तो आई डोंट केयर. तो अभी मैं हूँ MG रोड चर्च कॉम्प्लेक्स के पास एंड लेट्स सी व्हाट दिस प्लेस हैज टू ऑफर मी टू ईट. हम आ चुके हैं पंजाब स्वीट हाउस. नाउ सुबह से मैं बहुत मैंने दूधोरी, अखाजा, अरसा, देन और क्या मिठाई था, तिल का बर्फी खोजने का कोशिश किया बट मुझे अभी तक मिला नहीं. द स्वीट्स विच आई एम सर्चिंग फॉर वो सब मुझे दिसंबर के टाइम पे सीजन में मिलेगा, फेस्टिव सीजन में. तो अभी हम पंजाब स्वीट हाउस आए हैं एंड आई एम ट्राइंग आउट सम मालपुआ. हम खा रहे हैं छेना पायेश
जो रसमलाई जैसा दिख रहा है बट दिस इज एज पर देम छेना पायश एंड वी हैव गॉट समोसा ना यहाँ पर पीपल ईट अ लॉट ऑफ समोसाज एंड जलेबी तो ये समोसा काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इट्स वेरी अभी गर्म गर्म बन के आए हैं ये बहुत फ्लेकी एंड क्रिस्पी है एंड इसका स्टफिंग आलू का देखिए राई दिया हुआ सरसों का दाना आलू धनिया पत्ता अदरक तो चलिए अब ट्राई करते हैं पंजाब स्वीट हाउस इज़ वन ऑफ द फेमस एंड काफ़ी बड़ा है ये आउटलेट मिठाई का लॉट ऑफ पीपल हैव ऑल्सो रिकमेंडेड मी टू ईट अप हियर एंड इट्स क्वाइट गुड यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है मिठाइयों की बट मुझे सिर्फ दो चार मिठाई खानी थी बट वो मुझे सैंडविच मिली नहीं इनकी मालपुआ आप देखो काफ़ी पतली है ना कोलकाता में जो हम मालपुआ खाते हैं दैट्स अ फ्लफी दोज आर लाइक डोरा केक्स बट ये रसीली एंड पैनकेक के जैसे मोर लाइक अ पैनकेक इनफैक्ट मैं मालपुआ को बोलूँगी पैनकेक ही है इंडियन पैनकेक विच इज़ यू नो सो मच ड्रेंच्ड इनटू शुगर सिरप विच इज़ हाँ जिसको हम कहते हैं चासनी नाउ दिस इज़ व्हाट मेक्स मालपुआ डिलीशियस एंड यूनिक इन इट्स ओन वे वेरी नाइस बहुत मीठा है ये हम खा रहे हैं छेना पायश ना ये बहुत ठंडा ठंडा है एंड मेरे को ये बेस्ट लगता है यू नो ये जो रस होता है ना केसर वाला दूध का ये मेरे को बड़ा सही लगता है बट इट इज़ लुकिंग मोर लाइक अ रस मलाई टू मी बट देखते हैं व्हाट्स डिफरेंट इन दिस जस्ट लाइक यूजुअली रस मलाई टेस्टिंग लाइक बट मुँह में जाते ही पूरा मेल्ट हो जा रहा है इट्स क्वाइट गुड एंड ठंडा ठंडा है ना तो बड़ा मज़ा आ रहा खा के हल्का मीठा लाइक इट्स नॉट एज स्वीट एज मालपुआ बट दिस इज डिलीशियस सो अभी हम लोग आ चुके हैं टू दिस प्लेस कॉल्ड कावेरी रेस्टोरेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर वेजिटेरियन फूड फैंस हु विल वांट टू ईट सम वेजिटेरियन फूड सो व्हेन इट कम्स टू झारखंडी कुजीन पीपल प्रेफर्स ईटिंग अ लॉट ऑफ साग सब्जी छोला भटूरा डेफिनेटली मीट एंड ऑल प्रेफर करते हैं बट मैंने इधर चिकन खाते हुए लोगों को बहुत कम देखा अगर है भी तो मटन दैट इज ऑल्सो आहूना मीट तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आई हैव कम टू दिस प्लेस कावेरी रेस्टोरेंट जहाँ की वेज थाली बहुत फेमस है एंड यहाँ पर जो मैंने एक थाली ऑर्डर की है विच इज़ कावेरी स्पेशल वेज थाली इस थाली का प्राइस इज़ 240 rupees एंड ये लिमिटेड थाली है अगर आप चाहें तो आप रिपीट भी करा सकते हैं बट उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा प्राइजेस देने पड़ेंगे यहाँ पर चार किस्म की रोटी है आप देखो बेबी नान पूड़ी वी हैव गॉट मीसा रोटी छोटा सा एंड वी हैव गॉट वन घी फलका रोटी विच इज़ आई लाइक एपेटाइजिंग अमेजिंग ये पनीर की सब्ज़ी है आप देखो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे चंक्स ऑफ पनीर दिए हुए हैं देन वी हैव गॉट दिस आलू भाजी विच इज़ आलू एंड परवल भाजी मिक्स सब्जी इसके अंदर सारी सब्जियाँ हैं बीन्स मटर दिख रहा है मेरे को बंदा गोभी दिख रहा है दस पनीर एज वेल दाल तड़का आप देखो धनिया पत्ता है इधर हमें गार्लिक दिख रहा है प्याज बहुत अच्छी लग रही है और ये जो है दाल है ना ये काली दाल है यहाँ पर हमारे पास है पकौड़ी कड़ी आई लव कड़ी दही वाली इसमें कड़ी पत्ता है मिर्ची है राई है लुक्स वेरी टेम्पटिंग वी हैव गॉट दही बड़ा वी हैव गॉट वन फ्रिटर वी हैव गॉट सैलेड अचार मिक्स अचार इसके अलावा वी हैव गॉट पापड़ यहाँ पर है स्टीम्ड राइस एंड गुलाब जामुन दिस थाली इज़ क्वाइट बिग क्वाइट ह्यूज एंड क्वाइट सफिशियंट फोर ऑफ अस टू फिनिश क्योंकि एक थाली में अकेले तो फिनिश कर नहीं पाऊंगी सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ईटिंग सो आई विल ईट विद द पूड़ी फर्स्ट ओ दिस इज इसके अंदर दाल नहीं दाल पूड़ी है दाल पूड़ी चलिए हम पनीर की सब्जी के साथ खाते हैं क्वाइट फ्लेवरफुल वेरी नाइस द पनीर सब्जी इज सो फ्लेवरफुल एंड द पूड़ीज आर सो खस्ता यू नो वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेकी है एंड इस पनीर की सब्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है पनीर की सब्जी में ना बहुत अच्छा सा कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है ग्रेवी इज़ वेरी माइल्ड स्पाइस इट्स लिटिल स्वीट एंड वेरी फ्लेवरफुल सो यहाँ पर हमारे पास है कुलचा वाओ कुलचा के अंदर तो काफ़ी अच्छा आलू का स्टफिंग दिख रहा है लेट्स ट्राई इट विद द मिक्स सब्जी वाओ शिमला मिर्च बीन्स गाजर पनीर मटर सब कुछ इस बाइट में इसमें सीम भी दिया हुआ है इस मिक्स सब्जी में
विच इज़ लाइक वेरी एपेटाइजिंग. बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट. ये पनीर की सब्जी से हल्की स्पाइसी, इट्स टेस्टिंग वेरी गुड. एंड यू नो आलू कुलचा के साथ, बिकॉज आलू कुलचा इज़ वेरी सॉफ्ट एंड क्रीमी बिकॉज ऑफ द आलू, और उसके ऊपर ये जो सब्जियों का क्रंच जब आपके मुंह में जा रहा है ना, मज़ा अमल गमेशन, द फ्यूजन इन साइड योर माउथ इज सो फ्लेवरफुल. एंड ईटिंग सब्जी ऑलवेज मेक्स मी फील गुड. इसको हम खाते हैं कड़ी के साथ. कड़ी का कलर देखिए कितना प्यारा है. लेट मी जस्ट ब्रेक द पकौड़ी. ओके, पकौड़ी थोड़ी सी हार्ड है, बट दैट्स ओके. वाह, कड़ी इज़ माई मोस्ट 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 फेवरेट. आई लव कड़ी. मैं सारा तो खाना ही भूल गई. भूलिए मूली इज़ टेस्टिंग सो गुड, सो गुड. आई टेल यू द कड़ी इज़ वेरी गुड यार. आई लव कड़ी. यू नो बहुत ज़्यादा बेसन डालने की वजह से कभी कभार क्या होता है, कड़ी गाढ़ी हो जाती है. इसमें वैसा केस नहीं है. दही का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. दही की वजह से कड़ी में खटास बहुत एप्ट है. वाह, और जो राई के दाने आ रहे हैं ना मुँह में, आई है बड़ा मज़ा आ रहा है. लेट मी सी वट फ्रिटर इज़ दिस. आई थिंक दिस इज़ धनिया पत्ता का पकौड़ी. धनिया पत्ता और प्याज और बेसन का पकौड़ी. लेट मी जस्ट ट्राई इट विद अचार. क्वाइट अ सोलफुल मील आई वुड से. यू नो सारे खाने ऐसे ना काफ़ी लाइट है. चलिए अब ये घी की रोटी. लुक एट दिस, कितनी चिपड़ी हुई रोटी है. रोटी लेते हैं, इसको हम दाल में डुबोते हैं. वाओ. और इसलिए दाल रोटी सो सुकून. इसमें सुकून जो मिल रहा है, दाल काली दाल बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी घी के साथ. एंड ऐसे लहसुन वाली सिंपल दाल ना घी की रोटी के साथ आप दे दो, इसके अलावा आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए. वन ऑफ द बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन. मेरे को ये वाली भाजी बहुत पसंद है. सब्जी की तरह होती है ना, थोड़ी सी मॉइस्ट होती है. नॉट लाइक और बंगाली आलू भाजा. इसको आप दाल चावल रोटी रोटी सब्जी रोटी के साथ खा सकते हो, या दाल चावल के साथ खा सकते हो. बहुत अच्छा लगता है. इसको नॉर्मली नमक और हल्दी से नहीं फ्राई करते हैं, इसके अंदर कुछ मसाले भी डालते हैं, लाइक जीरा धनिया. तो
अभी मैं आ चुकी हूँ टू ईट एट भारत बेकरी. नाउ अ लॉट ऑफ यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी टू ईट अप हियर. नाउ दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द आइकॉनिक एंड मोस्ट फेमस. फेमस इसलिए बोलूँगी कि इतनी भीड़ है यहाँ पर कि लाइन लगाना पड़ रहा है केक लेने के लिए. मैंने दो पेस्ट्रीज लिया है. सो सबसे पहले जो मैंने लिया है दिस इज़ पाइनएप्पल मूज. आप देख सकते हो ऊपर क्रीम है, चेरी है, पाइनएप्पल जेली डाला हुआ है एंड देयर इज क्रीम और ये पाइनएप्पल केक और ये पाइनएप्पल मूज है और ये वाइट वनीला मूज आई गेस और ये स्ट्रॉबेरी सिरप डाला हुआ है या स्ट्रॉबेरी जेली. सो नाउ लेट्स ट्राई. सो द प्राइस फॉर दिस इज आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 50-40 रुपीज. सो इसके अंदर आप देखो मूज के अंदर इट्स नॉट ओनली क्रीम, इसके अंदर ब्रेड भी है. वाओ, दिस इज फॉर 45 रुपीज. इट्स लिटरली मेल्टेड इन माय माउथ. वाओ, इट्स सो फ्रेश. इतना फ्रेश टेस्ट कर रहा है. पाइनएप्पल के चंक्स भी मुंह में आ रहे हैं एंड देयर इज पाइनएप्पल केक इनसाइड. वाओ, एंड यू नो बहुत हल्का स्वीट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्वीट है. Now the next thing which I'm eating is okay. ये भी मेरे को वैसे मूज का जो फीलिंग था वैसे ही लग रहा है, केक है, क्रीम है. सो लेट्स ट्राई. सी बटर स्कॉच वी हैव टेकन फॉर बिट्टू प्राची एंड वरुण. बटर स्कॉच पर्सनली बोली तो बटर स्कॉच फ्लेवर्स मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दिस इज़ वेरी फ्रेश एंड यहाँ का जो केक्स है ना वो बहुत फ्रेश. यहाँ का जो केक्स है ना बहुत बहुत फ्रेश है. उसके ब्रेड भी जो है ना बहुत फ्रेश एंड सॉफ्ट है. तो ये फ्रेश बन रहे हैं, फ्रेश जल्दी सोल्ड आउट हो जा रहे हैं. तो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ईटिंग अप हियर. सो द लास्ट डेस्टिनेशन इन रांची आई एम कवरिंग इज दिस हिचकी ठेला एंड हियर आई एम गोना ऑर्डर तंदूरी अफगानी चिकन. इन द मीनवाइल विल बी ड्रिंकिंग समथिंग. जीरू का बॉटल लुक्स डिफरेंट नो. अरे लाहौरी जीरा सोडा. सो ये आ गया हमारे पास ईरानी मोमो. लुक्स वेरी डिलीशियस. वी हैव गॉट सम सैलेड लाइक कैरेट, अनियन, क्यूकम्बर. देयर इज रेड चटनी, हरा चटनी एंड द स्मोकी चार्ड कैप्सिकम विद सम वेरी नाइस ग्रिल्ड मोमोज. वाओ, द अरोमा इज सो डिलीशियस एंड टेम्पटिंग. लेट्स डिग इन. तो चलिए अब खाते हैं. नाउ दिस आर वेरी पाइपिंग हॉट मोमोज. The momos are so well coated with this afghani masala, you see, and such beautiful char texture on top. Wow, fabulous. So andar aap dekh sakte ho there's minced chicken, little green chilies, coriander and onion. So yeah, filling looks good, but definitely ek cheez bolungi, jo ye tandoori momo banate hai na, तंदूरी मोमो बनाने के चक्कर में जो नॉर्मल स्टीम मोमो हम खाते हैं ना दोनों में बहुत डिफरेंस है. जब तंदूरी मोमो बनाते हैं ना तो उसका जो आउटर लेयर होता है ना इट्स लिटिल थिक विच यू जनरली डोंट फाइंड इन स्टीम मोमोज बिकॉज अगेन ये तंदूर में जाएगा अगर वो उसका क्रस्ट पतला होगा तो इट विल नॉट बी इन अ परफेक्ट वे. दैट्स वाई हाउ एवर द टेस्ट इज रियली गुड. अब ये वाला पीस तो मेरा पूरा ड्रेंच हो चुका है लाल चटनी में. सो नाउ लेट्स जस्ट सी. Honestly, I'm very glad to try out all the places which you guys have recommended me and all the best food items I have tried this time. But definitely when I'm coming to Ranchi next time, I'm going to explore all the local food which you guys might don't know. I'm going to get into the streets and eat something which is unidentified. Is baar to maine sari famous cheeze kha li hai. But definitely soon, I'm going to explore the unexplored places. It's very nice, very nice. Very nice momos. Cheers, cheers, cheers. Out of 5? I'll get 4. 4 and a half, in fact. 4.
अगर प्राइस वाइज के हिसाब से भी देखो तो ठीक है। कितना पीसेस दिया? 6 पीसेस। इट्स बिग पीसेस, क्वाइट।